ये जो लोग मक्के में मदीने में आके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये तौहीद के तमाम दकीक मसाइल से फौरन आशना हो जाते थे क्या? फ़लसफ़े तौहीद, हकीकत तौहीद, तौहीद की बुलंदियाँ, तौहीद की गहराइयाँ, सिफ़ात हक सुभानहू व तआला, उसके दकीक लतीफ़ मसाइल सबसे फौरन एक सेकंड भर में वाकिफ़ हो जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फ़ज़ाइल कमालात सबसे वाकिफ़ हो जाते थे, सब पे दिलो जान से ईमान ले आते थे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कलमा पढ़ के जब दाखिल हो जाते थे तो फिर उन्हें दूर नहीं भगाया जाता था। कलमा पढ़ के दाखिल हो गए, अब रोज़ बरोज़ उसके इल्म में, उसकी मारिफत में, उसके तजर्बे में इजाफा होता चला जाएगा। किसी दिन एक सबक पढ़ेगा, दो सबक पढ़ेगा, एक वक्त सामने आएगा, दो वक्त सामने आएगा, एक नात सामने आएगी, दूसरी नात सामने आएगी, रसूल की एक सिफत सामने आएगी, दूसरी सिफत सामने आएगी, धीरे धीरे अल्लाह की भी मारिफत बढ़ेगी, रसूल की भी मारिफत बढ़ेगी, ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। इसी तरह विलायत का कलिमा है, जो भी जिस जगह भी अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह कह रहा है, इन सब को परचमे अब्बास के नीचे मुत्तहिद होना चाहिए। जो भी जिस जगह भी कह रहा है, और इस दायरे को बढ़ाएं कैसे, वाकई मैं कसम खा के मिंबर पे कह रहा हूं, एक तो विलायत का वो मेयार है जो बुलंद तरीन मेयार है, जिसका एक हल्का सा तसव्वुर हमें और आपको हासिल है बस, लेकिन एक आम मफहूम है विलायत का। ये जो आम मफहूम है विलायत का, इस एतबार से भी तवज्जो रखिएगा एक एक लफ्ज़ पर, ये आम मफहूम क्या है, ये दुनिया भर में कितनी खानकाहें हैं अहले तसव्वुफ अहले इरफान की, हैं नहीं हैं? हर खानकाह में जो सज्जादा नशीन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वलीउल्लाह, ठीक है ना? और ये जितने औलियाउल्लाह हैं ये सब गैर मासूम हैं, ये सब कहते हैं हम तक विलायत का सिलसिला पहुंचा है सैयदुल औलिया, इमामुल औलिया, अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। यानी ये सब पूरी दुनिया के तमाम वलियों से हजरत अली को अफजल वली मानते हैं, तो इस एतबार से सारे के सारे मुसलमान अमीरुल मोमिनीन को वलीउल्लाह मानते हैं। वलीउल्लाह मानने में कोई इख्तलाफ नहीं है, और अपने से अफजल मानते हैं, तमाम वलियों से अफजल मानते हैं, तमाम वलियों का सरचश्मे विलायत उन्हीं को जानते हैं। तो भाई जब ये जानते हैं तो हमारा उसलूब कार क्या होना चाहिए? हमारा उसलूब ये होना चाहिए कि बस तुम अली को वली समझते हो ना, और तमाम इंसानों से अफजल समझते हो, बस इसी बात पर हम तुमसे दोस्ती कर लेते हैं। दुश्मनी काहे की है? किस बात की दुश्मनी है? दुश्मनी भी मिटाने से मिट जाती है, छुपाने से छुपती नहीं। जहालत भी मिटाने से मिट जाती है, छुपाने से छुपती नहीं है। दुश्मनियाँ मिटाओ, इंसानियत को इल्म और मोहब्बत की सौगात अता करो। जीने का तरीका यही है, जिंदगी बसर करने का उसूल यही है।